की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे की एनकाउंटर में मौत। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने किया एनकाउंटर। आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का मास्टरमाइंड विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। इस एनकाउंटर में चार पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। भागने की कोशिश में विकास दुबे को पुलिस ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी पलटी थी विकास दुबे उसी में सवार था। एसटीएफ का कहना है कि विकास दुबे ने हथियार छीना और 2-3 किलोमीटर भागा। इसके बाद एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया। विकास दुबे को गुरुवार की सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस की एसटीएफ उसे मध्य प्रदेश से कानपुर ले जा रही थी। दुबे को लाया जा रहा था और यहाँ पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें खाजा उठा करके जाते हैं उसने जो विवेचक थे उनकी पिस्टल छीन करके भागने लगा, जिसमें एसटीएफ की टीम बैकअप में वहाँ पर आ गई जाते हैं और उसमें मुठभेड़ हुई है और इसमें विकास दुबे घायल हुआ, उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर उसका जो है जवान भी घायल हुए क्या? और हमारे जो कुछ सिविल पुलिस के लोग भी थे, 2-3 लोग हैं, आईजी साहब को हमने वहाँ भेजा हुआ है और जो घायल हम उनको ट्रीटमेंट कर देते हैं वहाँ व्यवस्था देखने के। सर कितनी गोलियां लगी है? कितनी गोलियां लगी है? अभी अभी मिनट जाते हैं, अभी हम अस्पताल पहुँच करके मिनट लेकर के जाते हैं। तब हम गाड़ी पर इनकाउंटर का स्थान कौन सा है? जहाँ पर हम लोग मौजूद है यही घटना स्थल, यही गाड़ी दुर्घटना जो है। पिस्टल छीनने की क्या बात है? कितने बजे पिस्टल छीनी है? पचौरी साहब हैं जाते उनकी उनकी साथ में आ रहे थे और उनकी पिस्टल छीन करके जाते हैं, जैसे बताया गाड़ी पलटी है जाते हैं तो उसका फायदा उठा करके वो पिस्टल छीन करके जो है पहले पिस्टल छीनने की पहले गाड़ी पलटी है, गाड़ी पलटी है यहाँ पर हमारे लोग हैं मौजूद हैं। नहीं, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ उसको डेड घोषित किया गया है।